रहा है प्राइम टीवी और वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां सत्ता से गलियारे का, यानी कि जहां सत्ता के गलियारे से जो रास्ता खुलता है वह इस बार दंगल है। यूपी विधानसभा चुनाव में सियासी पहलवानों का असली टेस्ट होना है। यूं तो देश में 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियों का शोर पुरजोर नजर आ रहा है। सबकी नजरें एक बार फिर से यूपी पर आकर टिक चुकी है, जहां 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार मायावती भी उपचुनाव लड़ेंगी। इस बीच बीजेपी भी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के दाग को धोना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 2 सीटों की कमान अपने हाथों में ले ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, और यही नहीं, फैजाबाद लोकसभा सीट पर ये मिल्कीपुर सीट आती है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, इसलिए अयोध्या सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। वही पीडीए के फॉर्मूले से अखिलेश यादव ने फिर मैदान में उतरने का प्लान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी के हौसले खासा बुलंद नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही परिणाम 10 सीटों के उपचुनाव में दिखेंगे, क्या अखिलेश फिर से कोई करिश्मा दिखा सकेंगे? क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव की गलतियों से सीख लेकर उपचुनाव में बाजी पलट देगी? क्या मायावती के उपचुनाव में आने से बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा? यूपी की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने, वो मीरापुर सीटें, खैर, फूलपुर, मिल्कीपुर, सीसामऊ सीट, गाजियाबाद, करहल, कटहरी, कुंदरकी, मंजवा, ये सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। तो वही आपको बता दें कि मीरापुर, खैर, गाजियाबाद, करहल, कटहरी, कुंदरकी, मंजवा, सीसामऊ, मिल्कीपुर, फूलपुर में उपचुनाव का दंगल देखने को मिलेगा। तो वही आपको बता दें कि ये सीट इसलिए खाली हुई थी, खैर सीट बीजेपी के अनूप प्रधान, जो सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गाजियाबाद की अतुल गर्ग, यानी कि उन्होंने वो भी सांसद बन गए जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। फूलपुर भी बीजेपी के खाते में थी, प्रवीण पटेल वहां से पहले विधायक थे, सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसके साथ ही जो मझवा सीट है, निषाद पार्टी ने जीती थी, जो विनोद कुमार बिंद सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। तो भाई मीरापुर आरएलजी के खाते में थी, चंदन चौहान सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं। तो वही लगातार दंगल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे, जहां कानपुर में जिला स्तर मेगा रोजगार और ऋण मेले में हिस्सा लेने के दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर जुबानी हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले काले कारनामे के लिए जाने जाते हैं। पहले वो आपको बयान सुना देते हैं। इस समाजवादी पार्टी की पहचान है कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है, और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। भाई ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका पहले स्वागत करते हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी से दिनेश सिंह प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही उदित अवस्थी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही समाजवादी पार्टी से जालिम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं जालिम सिंह का रुख करूंगी। जालिम जी, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के साथ एक बार फिर से आप मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति तैयार हो चुकी अब तक? मैडम, एक चीज कहना है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मेरा नाम जगदीश सिंह चौहान है। आपको जालिम सिंह किसने बता दिया? ठीक है, जगदीश जी, जगदीश सिंह चौहान मेरा नाम है। ठीक है, और तो सुधार लेंगे हम। स्काइप में आपकी आपका कोई फ्रेम नहीं आ रहा, केवल मैं ही दिख रहा हूँ इसमें। ना आप दिख रहे, ना कोई नहीं दिख रहा है। आप केवल मेरी आवाज आपको पहुंच रही होगी, केवल इसमें मैं ही दिख रहा हूँ। जी ठीक है, ठीक है। टेक्निकल टीम से मैं आपका नाम सुधारने का कहती हूँ और डिबेट की मैं शुरुआत करती हूँ। जगदीश जी, इंडिया इस बार पुरजोर तैयारी के साथ रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब उपचुनाव सामने है, क्या कुछ रणनीति तैयार हुई अब तक? देखिए, आपका क्या नाम है, आप आ नहीं रही ना, नाम आ रहा तो मैं जा नहीं पा रहा। आप ये जी, आरती नाम है हमारा जी। आरती जी जी, जरा ये फ्रेम अपनी टेक्निकल टीम से सही करवाइए, नाम सही करवाइए। न कोई फ्रेम नहीं, मुझे कुछ नहीं देख रहा। आपको आपका सिग्नल मैं सुधार देती हूँ। तब तक मैं डिबेट की चर्चा बीजेपी प्रवक्ता उदित दिनेश जी से करती हूँ। दिनेश जी, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इस बार काफी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दिनेश जी आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो 10 सीटों पर चुनावी रण है और उस बीच सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। तो वही जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, फूलपुर, मिल्कीपुर, खैर, करहल, गाजियाबाद, कटहरी, मझवा, कुदरकी, मीरापुर और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होने हैं। और इसके साथ साथ यूपी में उपचुनाव के लिए बीजेपी का जो प्लान है वो अभी तक माना जा रहा है कि सभी मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ योगी की मीटिंग की गई है। अंबेडकर नगर और अयोध्या का दौरा कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी। मिल्कीपुर में बीजेपी पासी कार्ड खेल सकती है। जी हां, इसके अलावा यूपी में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी भी लगातार तैयारी करती हुई नजर आ रही है। अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे को उतारने की तैयारी है। तो वही करहल से तेज प्रताप यादव लड़ सकते हैं चुनाव। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की मां या पत्नी को टिकट मिल सकता है। उसके साथ साथ मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा को टिकट मिल सकता है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो वही अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा की बेटी को टिकट दिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, 2019 में 64 सीटें मिली और वो जो घट कर इस बार 24 में सिर्फ और सिर्फ 33 सीटें ही अपने खाते में ला पाई। तो वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारा कैसे होगा, इस पर भी लगातार मंथन देखने को मिलेगा। तो वही एक बार फिर से मैं चर्चा में वापस आती हूँ। उदित जी, इंडिया गठबंधन एक बार फिर से साथ आता हुआ नजर आया, क्या सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है या सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए आरती जी, सीट बंटवारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके, दोनों आपस में सामंजस्य बना करके उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। जी ठीक है, इसमें सीटें जीतने जा रही है, कोई सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव, ये बैठ के हमारा शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा कौन कहां लड़ेगा जी और कौन। हाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना समाजवादी पार्टी में कोई दिक्कत है, ना कांग्रेस में कोई दिक्कत है। जी ठीक है, लगातार 10 सीटों पर हलचल देखने को मिल रही है। दिनेश जी, क्या सब कुछ ठीक हो चुका है यूपी बीजेपी में उपचुनाव से पहले?
हमेशा इस तरह का कभी भी कोई परिणाम आता है तो हम जब हमारे अनुकूल परिणाम नहीं आता है तो चिंता स्वाभाविक है और हम चिंता भी करते हैं और चिंतन भी करते हैं और अगर कहीं किसी मामले में कहीं कोई त्रुटि है तो उसको हम सुधार कर आगे बढ़ते हैं और उसी का कारण है कि आपको ध्यान में होगा कि हमारे दो सांसद होते थे पार्लियामेंट में, आज एनडीए की बहुमत की सरकार चल रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और पिछले बार के आंकड़े से ज्यादा सीटें लेके उत्तर प्रदेश में फिर से हमारी सरकार बनी है। तो इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस तरह का झूठ लोगों ने फैलाया था एनडीए गठबंधन ने इस लोकसभा चुनाव में, बाकी आप देख लीजिए, बाकी तो 14 में इनकी दाल नहीं गली, 17 में नहीं गली, 19 में नहीं गली, 22 में नहीं गली, लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब उत्तर प्रदेश या देश में कहीं इनकी दाल नहीं गल रही है तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र किया और लोगों को गुमराह करने का काम किया, झूठी ऐसी बातें इन लोगों ने फैलाई, ऐसी अफवाह फैलाई कि जनता जनार्दन इनके अफवाहों में आ गए और जो इस तरह का इनको एक काट की हाड़ी चढ़ाकर इन्होंने एक बार जो खाना पका लिया है ये सोच रहे हैं कि बार बार ऐसा पक जाएगा, तो मुझे लगता है काट की हाड़ी एक बार से ज्यादा, खाना जो आपने पका लिया वो बार बार पकने वाला नहीं है, क्या कहेंगे जगदीश जी? जगदीश जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अब आ रही है? हाँ जी, जवाब दे दीजिए। ये फ्रेम नहीं आ रहा आपका, ठीक है फिर से सुधार लेते हैं, ठीक है। दिनेश जी, आप मानते होंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में आपको भारी नुकसान मिला है, तभी ये तैयार किया गया कि 10 सीटें हैं, 5 तंत्र है, 5 तंत्र यानी कि मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सबको 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दे दी गई। अब तय करेंगे कि आखिरकार कौन अच्छा प्रदर्शन करता है इस बार। आरती जी, निश्चित तौर पर देखिए, हमारे यहाँ कोई भी कितने बड़े दायित्व पर हो कार्यकर्ता होता है और कहीं भी चुनाव होता है तो सारे कार्यकर्ता एक साथ लगते हैं। इस उपचुनाव में भी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, वो कार्यकर्ता के रूप में, चाहे उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों जो खुद जिम्मेदारी लिए हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे संगठन महामंत्री जी हों या बाकी आम कार्यकर्ता, सारे लोग इस चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। अभी हमारी पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू होने वाली है 2 तारीख से, जिसके लिए हम लोग हर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला हो गई, प्रदेश स्तर पर कार्यशाला हो गई, जिले स्तर पर कार्यशाला हो गई, अब मंडल स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की, अब हम मंच और मोर्चों की कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वो 7 दिन 24 घंटे काम करने, 24/7 काम करने वाली पार्टी है, हम चुनाव को देख कर काम नहीं करते हैं। रही बात जो आप समाजवादी पार्टी के साथी से बात पूछ रहे थे, बार बार अपने नाम को सुधारने पे चले जा रहे थे, बात आगे नहीं बढ़ पा रही। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, वो चाहे खुद चुनाव लड़े, किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े या कोई निर्दल चुनाव लड़े, ठीक है। लेकिन जो इनका एक इंडिया, जवाब ले लेते हैं जगदीश जी, जवाब दे दीजिए। अब आप जो है इनकी आवाज नहीं आ रही यार, सही आवाज आप पूछिए, मैं आपकी आवाज सही आ रही है, ठीक है। जगदीश जी कह रहे हैं जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आपकी दाल गल चुकी है, आपने छलावा करके सीटें जीत ली है, इस बार दाल गलने वाली नहीं आपकी, जो ये जिस चीज को ये छलावा कह रहे हैं वही सत्य है आरती जी, और उसी सत्य के साथ फिर हम जीतेंगे। ये इनका अहंकार और इनका जो है ये अपना परिचय दे रहे हैं कि ये किस तरह के लोग है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, अभी तक ये लोग जीतते रहे तो क्या छलावा करके ही जीतते रहे? अभी तक जो ये जीतते रहे हैं 10 साल इन्होंने सरकार बनाई भारत में, तो ये छलावा करके ही आए, तो इनकी जैसी भावना वैसी आती ये बात करते हैं। हम जिस तरह से जीतते रहे फिर जीतते रहे, और अगर इसको ये छलावा माने या जनसमर्थन माने ये तो मतदाताओं का अपमान है जिस तरह से बात कर रहे हैं।
जी। इसका मतलब सारे मतदाताओं को ये जो है उनका अपमान कर रहे हैं, उनके जनमत का, जनमत का अपमान ये कर रहे हैं कि हम छलावा करके जीते हैं, लोगों के साथ छल किए हैं, ये जनता फिर इनको अब मौका देती है। फालतू की बातें हैं आपकी, इस तरह की बातें एक डिबेट में एक राष्ट्रीय पार्टी के जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपको कहती है, उसकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए और उसको सही तथ्य डिबेट, कम से कम डिबेट में टीवी जिसमें हजारों लाखों दर्शक देख रहे हैं उसमें सही बात और सही तथ्यों के साथ आना चाहिए। अगर ये अगर इनकी भावना जिस तरह से बाबा तुलसी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी। दिनेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, अयोध्या की बिल्कीपुर सीट वहां पर सीएम योगी ने रोजगार मेला लगाया है, उसके साथ अम्बेडकर नगर की कटहरी में लगाया गया रोजगार मेला, अलीगढ़ की खेर सीट पर थोक के भाव में रोजगार बांटे जा रहे हैं, और जगह पे रोजगारी नहीं रह गई है क्या? जहाँ उपचुनाव होंगे वहीं पर रोजगार दिए जाएंगे। जी दिनेश जी, जवाब दे दीजिए। लखनऊ में लग चुका है, कानपुर में लग चुका है, गाजियाबाद में लग चुका है, प्रयागराज में लग चुका है, प्रतापगढ़ में लग चुका है, कई शहरों में रोजगार मेला लग चुका है और उसी को क्रम में आगे बढ़ कुछ लोग उसको चुनावी चश्मे से देखते हैं। इसके पहले भी बड़ी बड़ी कंपनियां इन जगहों पर रोजगार मेला लगा चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के नौजवान उससे लाभान्वित हो चुके हैं। अब हमारे विपक्षी साथियों के सिर्फ चुनाव के समय में इनको रोजगार मेला दिखता है, उसके पहले या बाद में नहीं दिखता है। इसमें दोष भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अब इनको याददाश्त इतनी कमजोर है कि इनको याद ही नहीं है कि चुनाव के पहले भी रोजगार मेला उसके पहले ही चल रहा था, स्मार्टफोन और टैबलेट पहले से बढ़ रहे थे, लेकिन इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? ठीक है। दूसरी चीज, हमारे एनडीए गठबंधन पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में है, हमारे सारे एलायंस हमारे साथ हैं, लेकिन इनके यहाँ जिस तरह से जूतम बाजार चल रहा है, अगर आप देखिए तो कभी कह रहे हैं कि बसपा के साथ जाएंगे, कभी कह रहे हैं कांग्रेस के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथी कहते हैं कि नहीं हमको आप आधी सीटें दीजिए, सपा के साथी नहीं कहते हैं कि हम आपको दो सीटें देंगे, और कांग्रेस और सपा कहती है कि अगर आप हमको हरियाणा में प्रतिनिधि देंगे हमको वहां पर कुछ सीटें देंगे, महाराष्ट्र में कुछ सीटें देंगे, तो हम आपके साथ उत्तर प्रदेश में आपको सीटें देंगे। इस तरह का जूतम पैजार इनके यहाँ एनडीए गठबंधन में चल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी अलायंस में नहीं चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कि आप एक बार झूठ की राजनीति कर सकते हैं, लोगों ने उत्तर प्रदेश में, आरती जी, लोगों ने उत्तर प्रदेश में सपा का भी शासन देखा है, बसपा का भी शासन देखा है, कांग्रेस का भी कुशासन देखा है, और लोग भारतीय जनता पार्टी का सुशासन भी देख रहे हैं। इसलिए 14 से लेकर अब तक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं, और इस उपचुनाव में भी आप देखिएगा 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी और हाथ मलते रहेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। उदित जी, जिस प्रकार से कन्नौज में जो हुआ, अयोध्या में जो हुआ, सबने देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आखिरकार वहां पर प्रियंका राहुल क्यों नहीं गए? देखिए, जो कन्नौज में हुआ, जो अयोध्या में हुआ, और जो पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आरती जी, ये सरकार पूरी तरह से फेल है, अपराध चरम सीमा पर है पूरे उत्तर प्रदेश में, और पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा जो है वो नौकरी की तलाश में भटक रहा है, यहाँ का किसान MSP के लिए भटक रहा है, अपनी फसल बेचने के लिए हर उसमें खरीफ की फसल हो या रबी की फसल हो उसमें भटकता है, और यहाँ का मजदूर मनरेगा में इन लोगों ने पूरी तरह से जो है उसको बंद कर दिया है, उसमें पैसे नहीं देते मनरेगा में, जब से मनरेगा को डाउन किया तब से उत्तर प्रदेश का मजदूर वर्ग भी, गरीब तबके का जो लोग हैं वो सब परेशान हैं। तो ये हर क्षेत्र में एक फेल है, ये 2 बार इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया और अब इनको इनकी जो असलियत है वो खुल करके सबके सामने आ गई है, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वही अब मैं रुक करूंगी जगदीश जी का। जगदीश जी,
कन्नौज में और अयोध्या में जो कुछ हुआ, आपके जो सांसद थी उसकी चुप्पी भी कहीं ना कहीं लोगों को खलती हुई नजर आई, क्या चुनाव में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? जगदीश जी, जी जी जी, क्या कहा आपने आरती जी? अयोध्या और कन्नौज का मुद्दा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आया, क्या उपचुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है? आरती जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख, इनको इनको कहीं से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अयोध्या भी हारेंगे और जहां लड़ रहे हैं हर जगह हारेंगे। जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं। आप समझिए, कन्नौज की घटना में जो कन्नौज में जो व्यक्ति है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता थाने में बैठे हुए थे, तो उसका उसका दंड हमको भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से सीएम योगी ने अयोध्या में पैर जमा लिया है, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे, रोजगार बांटे जा रहे, क्या नहीं लगता है कि आपको इफेक्ट पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आरती जी। अब जब जब दीपक को बुझना होता है ना, हाँ, तो वो बड़ी तेज लौ करता, वही हालत है। आप देखेंगे लौ कर रहे हैं, अपने आप बुझ जाए। अभी रिजल्ट आने दीजिए, इसीलिए तो फड़फड़ा रहे। बुझने के पहले जो लौ होती है वही है और कुछ नहीं। देखिए, मैं दोनों लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। पहले उदित जी ने जो कहा, उदित जी शायद भूल गए, कह रहे थे किसानों की क्या हालत है, खाद नहीं मिल पा रही, भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के शासन के पहले समाजवादी पार्टी का जब शासन उत्तर प्रदेश में था, किसान खाद लेने जाते थे, लाठियां मिलती थी, और कितने घंटे बिजली आती थी किसानों को जरा बता दीजिए। 4 घंटे बिजली आती थी आरती जी, 1 हफ्ते दिन में आती थी, 1 हफ्ते रात में आती थी, और ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था, महीने महीने पर ठीक नहीं होती थी। और ये चर्चा कर रहे हैं, जरा सुनिए, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, सुन रहा था आपको ना, जरा आपको सुन रहा था तो सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? जरा सुन लीजिए, सुनना सुन लेंगे तो अच्छा बोल पाएंगे। नहीं, अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है ना। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, तो आरती जी जरा इनको कहिए, थोड़ा सुन ले 2 मिनट, ठीक है? बोलिए। तो इसलिए जब आप चर्चा कोई चीज करते हैं तो उसको समग्रता से जरा आपको देखना चाहिए। और दूसरी चीज, अभी जगदीश जी कह रहे थे, आपने उनसे एक सवाल पूछा कि आप कन्नौज और आप अयोध्या नहीं जा पाए, जिस तरह से घटनाएं हुई, मुंह में ताला लग जाता है, इधर उधर झांकने लगते हैं, जलेबी बना लेते हैं, और इनके नेता बंगाल के मुद्दे पर आज तक इस्तीफा नहीं मांगा इन्होंने ममता मुखर्जी से। अगर हिम्मत है, नैतिक साहस है, तो आपके चैनल पर आज मांगे इनके प्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन नहीं मांग पाएंगे। इसलिए जब दोहरा स्टैंड ऑर्डर आप अपनाते हैं ना, उसका परिणाम यही होता है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या इंडी गठबंधन के जितने भी लीडर हैं, उनके चार चरित्र और चेहरे को जानती है, बाखूबी पहचान गई है, बाखूबी पहचान गई है। एक बार इनके बहकावे में आ गई, कुछ सीटें इनके पास चली गई, जो शायद इनकी साजिश को हम नहीं समझ पाए। आरती जी, बंगाल में सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कोई घटना होती है तो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं। पहले सुन लीजिए, मुख्यमंत्री थे, 12 बजे से 2 बजे के बीच सोकर उठते हैं। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2 बजे तक 4 सभाएं कर लेते हैं, तो सोने और जागने में इतना फर्क होता है, बता दीजिए। कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में इतना दौरा किया चीजों का बताया ना। आप तर्क से बात कीजिए, सिर्फ ढाल बजाने से काम नहीं होता है। और आपके अभी कह रहे रोजगार के मामले में, आरती जी, समाजवादी पार्टी में यूपीएससी का पेपर भेज दिया गया था, अनिल यादव चेयरमैन थे, और 80 में 58 जो है एक जाति के जो है पीसीएस अफसर बन गए थे, ये स्थिति, एसडीएम बन गए थे, ये स्थिति थी। कोई भी वैकेंसी की आहट होती थी आने की, सत्ता के दलाल झोला उठाकर उगाही में निकल पाते थे। आज दाल नहीं कर रही है ना, पारदर्शी तरीके से सबको रोजगार मिल रहा है, रोजगार मेला में हो रहा लग रहा है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, और पेट में दर्द जो है वो कांग्रेस और सपा के पेट में दर्द होना शुरू हो जा रहा, समझ में नहीं आ पा रही। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलने से समाजवादी पार्टी के पेट में भाई दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, आपको अपने जमाने में आप तो एक परिवार को रोजगार देते थे, अखिलेश यादव का परिवार था मुलायम सिंह का, उसमें 18-18 लोग रोजगार पा गए थे, याद है आपको ना? बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जवाब ले लीजिए, 4 जिले वीआईपी होते जहाँ बिजली आती थी, ठीक है? आज जी, रोजगार मिलने में दिक्कत क्यों, समाज से विकास हो रहा है?
ये अगर रोजगार देते होते तो लोकसभा में इनकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। ये पूरी तरह से सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। इन्होंने किसानों को बरगलाया झूठे झूठे तौर पर। अभी अभी आपने सुना होगा, अभी अभी 4-6 दिन पहले इनके एक सांसद ने किस तरह का घिनौना बयान दिया। तो ये लोग, इनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। ये बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं, लेकिन इनके सारे काम जनता विरोधी हैं। ये किसानों के विरोध में खड़े हैं, ये युवाओं के विरोध में खड़े हैं, ये मजदूर गरीबों के विरोध में खड़े हैं, मिडिल क्लास के विरोध में खड़े हैं। इनके लिए सिर्फ बड़े उद्योगपति पूंजीपति जो हैं, ये इनका इनका एक नैरेटिव भी है ना कि ये केवल संगठित क्षेत्र को मजबूत करते हैं, असंगठित क्षेत्र इनके लिए अछूता हमेशा रहा है। ये बीजेपी की एक नीति रही है कि हम संगठित क्षेत्र को लेके चलेंगे, असंगठित क्षेत्र में किसान मजदूर छोटा व्यापारी और युवा, इनको सबको। जगदीश जी, चुनाव सामने है और सीएम योगी भी ताबड़तोड़ एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज कानपुर दौरे पर थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि इस लाल टोपी वाले काले कानून यानी कि काले कारनामे के लिए जाने जाते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है, अब जिसका मुंह जो चाहे कह ले। आरती जी, वो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और ये बात शोभा नहीं देती। देखिए, लाल टोपी ने इस प्रदेश में परिवर्तन की आंधी तो पैदा की है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव साइकिल से चल करके, आरती जी 1967 में साइकिल से चलकर इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार सरकार बनाई। गरीबों मजदूरों शोषित वंचित दलित पिछड़ों की सरकार बनाई इस प्रदेश में। और उस पार्टी के लिए आप कह रहे हो कि ये फला है, ये फला है, ये तो जनता जानती है। आज किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता को कहने की ये हैसियत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में नंबर एक, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, समाजवादी पार्टी प्रदेश में नंबर एक में और देश में नंबर तीसरे में है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के बड़े नेता, किसी और इस देश की भावी राजनीति को तय कर गया, भविष्य की राजनीति अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द घूमे। और उनके कौन क्या कहता है, इस तरह लोग जब हाथी अपनी चाल चलता है कोई क्या टिप्पणी करता, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। हम तो ध्यान देते हैं पिछड़ों, दलितों, नौजवानों, बेरोजगारों, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए। जिस तरह इस सरकार ने, आरती जी, जिस तरह इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को का हक मारा, आप देखते जाइए। अभी तक ये 400 पार की बात करते थे, 240 में आया है और यही सब करते रहे, यही सब अहंकार की भाषा बोलते रहे। आरती जी, ये 24 में आ जाएंगे, नोट कर लिए। ठीक है दिनेश जी, 24 पर आ जाएंगे आप। असल दिक्कत क्या है, आपने इसे कहा ना कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि लाल टोपी लगा के काले कारनामे करते हैं। इनके कारनामे अभी आपको आरती जी पता नहीं कि उत्तर प्रदेश वासियों को नहीं पता है। अभी जो घटना हुई उत्तर अयोध्या में, जो घटना हुई कन्नौज में, उसमें यही लाल टोपी धारी थे। ये लाल टोपी धारियों का ही उसमें नाम आया, यही पकड़े गए। और यही नहीं, जिस दिन पुलिस परीक्षा का पहला पेपर था उसमें अफवाह फैलाने वाले गैंग में कौन थे? समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री। इनके काले कारनामे किसी से छुपे हैं? मैंने कहा 58 एसडीएम एक जात के, गोरखपुर से गाजियाबाद के सभी थानों में। आरती जी, मेरा जवाब इस ये इनका दलित प्रेम, ये पता नहीं कौन बोल रहे हैं, और संक्षेप में ये कह रहे हैं 58 एक जात पे। आरती जी जरा लेकिन खोजते क्या थे? समाजवादी पार्टी शासन में खोजते थे कि लोहिया गांव कौन सा है। पहले विकास की किरण लोहिया गांव में पहुंचे कि यही करते थे। बसपा के शासनकाल में काशीराम गांव खोजा जाता था ना। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई बता दे
जाति देख के कोई काम हो रहा है, धर्म देखकर कोई विकास की योजनाएं चलाई जा रही। जो भी योजना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं चल रही हैं, वो सभी के लिए चल रही हैं। हम तो आपको कहीं ना कहीं नीचे गिराते हुए नजर आए लोकसभा चुनाव में। पीडीए का मुद्दा भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ा समाजवादी पार्टी का। यही आरती जी, असल में दिक्कत क्या है ना, यही ये मुद्दा इनका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी आप देखिएगा, असल में क्या है कि जब हम चर्चा करें तो थोड़ा तर्क पर करें तो सही बात सिद्धांतों पर करें तो समझ में आती है। अभी क्या है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अधर में क्यों है आपको बताएं? आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक वर्ग विशेष के वोट को लेने की लालसा दोनों में खींचतान मची हुई। जो कभी वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था, आज वो बहुतायत में समाजवादी पार्टी के पास है। उस वर्ग का वोट मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है उदित जी, जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी चाहती तो कांग्रेस के साथ उसका होगा, तो ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस के साथ चला जाए। ठीक है उदित जी, जवाब दे दीजिए। कांग्रेस का वोट बैंक खिसका नहीं है। कितना परसेंट वोट बैंक आपका खिसका नहीं है? उत्तर प्रदेश में जरा बता दीजिए, देश की जनता के लिए लड़ रही थी, देश की जनता के लिए ही लड़ रही थी। उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट इनका कह रहे हैं आधार खिसका नहीं है? अरे सुन लीजिए, अब आपके कितना जन आधार बचा आपका उत्तर प्रदेश में बताइए ना। देखिए आरती जी, अब कांग्रेस जो है, अब देश की जनता आदरणीय राहुल गांधी जी को सुनती है। अरे मैं पूछ तो रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कितना जनाधार बचा है? मोदी जी को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है इस देश में। ठीक है सुन लीजिए, अब मोदी जी को इस देश की जनता तवज्जो नहीं दे रही है, इस देश की जनता तवज्जो देती है आदरणीय राहुल गांधी जी। नहीं, वो विदेश की जनता। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, जनता नहीं है देश की। जनता ने 240 सीटें जो दी है, देश की जनता देख रही है हर समय। जैसे कांग्रेस के दूसरे देशों की जनता पर ज्यादा भरोसा है। फील्ड में जाइएगा, देखिएगा, लोगों से बात करिएगा, तो लोग कहते हैं कि इस देश को अगर कोई संभाल सकता है तो कांग्रेस संभाल सकती है। कांग्रेस बहुत बार हारी और पुनः सत्ता में वापस किया, तो इस बार भी कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेगी। ठीक है, नहीं यही काम कर रहे हैं इनका जो इनका इनका जो ये प्रोपेगेंडा अभी तक चल रहा था, देश की जनता समझ चुकी है, देश के युवा समझ चुके हैं, किसान समझ चुके हैं, मजदूर गरीब वर्ग सब समझ चुके हैं कि ये लोग केवल बोलते हैं, इनके अंदर वो कुवत नहीं है कि ये सबको रोजगार दे सके और सबको संतुष्ट रख सके। ये जिस प्रकार से इस बार मिल्कीपुर सीट साख की सीट बन चुकी है इस बार, लेकिन इतनी आसानी से आपको जीतने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। कितनी तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी इतनी है कि इनको पूरी तरह से हराएंगे। ये लोग लोकतंत्र में एक ये अधिकारियों के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं, ये शासन सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव, लेकिन इनकी चलेगी नहीं। जनता हमारे साथ है और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सारी सीटों की सारी सीटों को जीते, जनता हमारे साथ है। ये फड़फड़ा रहे हैं, ये बहुत हुई है इनका, ये इनकी स्थित मानसिक स्थित क्या होगी ये लोग जाने, लेकिन हम लोग पूरे आत्मबल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जन भावनाओं को कद्र करते हुए। और इनके हमको लाभ मिल रहा केवल इनके अपने द्वारा, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों, जो आधुनिक भारत के निर्माण में, आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो उनका योगदान है, उसको जनता समझ रही है। अभी इन्होंने एक दुष्प्रचार किया आरती जी, उसका जवाब देना आवश्यक है। इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में कितने SDM हुए थे, इनमें 58 जो एक जात विशेष के थे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आरती विधानसभा में चैलेंज किया कि आप बताओ तो किस जात विशेष के कितने SDM थे, आज तक ये नहीं दे रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है। ये जो मिस्टर बोल रहे थे, पता नहीं कौन है हमारे उधर पैनलिस्ट, इनसे बताइए कि अगर हमारे नेता ने चैलेंज किया था विधानसभा में, मैं इनमें इनको टीवी में चैलेंज करता हूँ।
कि ये टीवी डिबेट में ये बताएं तो लिस्ट तो लाएं, एथेंटिक लिस्ट, केवल जवानी जमा खर्च। पार्टी, पार्टी मेरे मित्र, इस तरह की बात मत बोलो जिसका कोई आधार ना हो। आपने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में क्या किया, जंग जाहिर हो गया, पूरे देश में आपकी थू-थू हो रही। आपने पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म किया, आपने संवैधानिक बंधों की अवहेलना की है। आपको जनता बचने वाली नहीं, चाहे जितना फड़फड़ा दो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमको आप जितना, दिनेश जी जवाब दे दीजिए, जितना हमको गाली दोगे उतने आप जो है परेशान हो। ठीक है दिनेश जी, जवाब। आरती जी का समस्या है कि इनका जवाब मुझे सुनाई नहीं देता। आपकी आवाज नहीं आ रही था आरती जी, मैं कह रहा हूँ जगदीश जी ने जो पूछा है, आरती जरा आप मुझे बता दीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। क्या पूछा आरती जी उन्होंने? एक बार फिर से मैं उनसे कहती हूँ। नहीं, उनकी आवाज खरखराहट के साथ आ रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो एक बार क्या पूछ रहे हैं, अगर मेरे तक आवाज पहुंच जाए तो मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। झूठ का प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। झूठ का, हाँ झूठ का प्रोपोगंडा किसने फैलाया था? संविधान लेके देश में कौन घूम रहा था? आप सब घूम रहे थे, एनडीए लाइंस घूम रहा था, जिन्होंने कभी संविधान को देखा नहीं, उसके पन्ने नहीं पलटे हैं। संसद में पूछा गया तो बगल झांकने रह गए राहुल गांधी। एक अनुच्छेद के बारे में जानकारी नहीं है, और लेकर संविधान, जिन लोगों ने संविधान को कुचला, इस तरह से इमरजेंसी देश में लगाई संविधान को कुचलने का काम, क्या संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को? इस देश में इमरजेंसी लगाने वाले कौन लोग थे? संविधान को किसने कुचला था? और आज बैठ के बात कर रहे हैं कि झूठ की झूठ आपने फैलाया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, झूठ किसने फैलाया था? और सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं, चोरी भी और सीना चोरी भी आती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो झूठ की राजनीति थी, एक बार तो किसी तरह से आपने लोगों को बरगलाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता एनडीए गठबंधन के इस काले कारनामे को समझ चुकी है। यही भाई इलेक्शन आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो बैठ के आप बात कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक सीटें नहीं मिलने वाली एनडीए गठबंधन, 10 की 10 सीटों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली है। इनका असली चेहरा जनता ने देखा कि क्या कह के उन्होंने नोट मांगा, और इनको कुछ कुछ मत क्या मिल गया, इनको लगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में इनका शासन हो गया होगा, इस तरह से गुंडाई करना शुरू कर दिया, इस तरह से अत्याचार करना शुरू किया। उदय जी, एक भी सीटें नहीं मिलने वाली इस बार, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। कर लीजिए आरती जी, मैं बैठूंगा चुनाव के बाद आपसे चर्चा करने की। ठीक है उदय जी, कहते थे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, कहते थे ना ये, और क्या स्थिति इनकी बनी। तो ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इनको बातों में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन धरातल में अब इनकी जमीन खिसक चुकी है। इनके साथ ना तो दलित है, ना इनके साथ पिछड़ा वर्ग है, ना इनके साथ अपर कास्ट है, ये केवल अपना गाल बजाते फिरते हैं। अब इनके इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, और ये केवल झूठ का पुलिंदा है। अभी अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है, तो इस तरह ये बांटने के और काटने की जब बात करते हैं, तो इनका जो नैरेटिव है, इनकी जो सोच है, वो उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। और अब ये पूरी 10 की 10 सीटें उपचुनाव में हारने जा रहे हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हुआ, वैसे ही उपचुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा, और 27 में इनकी सत्ता जाएगी। ठीक है जगदीश जी, इस बार मायावती भी उपचुनाव में उतर चुकी है, तो वही लंबे समय के बाद वापसी करने को तैयार है, कहीं ना कहीं आपको भी डर होगा जगदीश जी, वोट छटक सकते हैं? नहीं, आप ऐसा कह रही हैं कि मायावती जी वापसी जाएगी, कहीं मायावती जी चली गई थी क्या? उपचुनाव में बहुत सालों बाद ही आई। अरे मौजूद है मायावती जी, अभी लोकसभा लड़ी है, विधानसभा लड़ी है, उपचुनाव में कई सालों के बाद उतरती हुई नजर आई मायावती। आज बहन जी का एक राजनीतिक दल है, और उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। उनको आप वापसी की बात कर रही हैं, कहां कहीं थी, वो तो हर जगह मौजूद है। वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकते हुए नजर आ सकते हैं इस बार। किसका वोट बैंक किसके? ये तो जनता तय करेगी, हम आप ही टीवी डिबेट में थोड़ी तय करेंगे, हम आप थोड़ी तय करेंगे, ये तो जनता तय कर रही। जैसे अभी हमारे भाई साहब, मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी,
भारतीय जनता पार्टी के भाई कह रहे थे कि हमने आरक्षण लूट आरक्षण की झूठी बात फैलाई। अरे शर्म करो मेरे भाई, अभी 69,000 शिक्षकों के मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपको आईना दिखा दिया है। हम जो कह रहे थे वो बात सामने आ गई और इसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं। वास्तव में आपकी दृढ़ता और आपकी आपके साहस का मैं दाद देता हूँ। ये जनता जो सुन रही होगी देश प्रदेश की देश की, उसको मालूम होगा कि आप झूठ को भी कितना सही तरीके से रखते हैं। आप आरक्षण लूट रहे थे, आपने पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटा, लेटरल एंट्री की, आपने उनके हक को मारा। आप संविधानिक संविधान के मूल्यों को खत्म करना चाहते थे, आपने संविधानिक अधिकारों का हनन किया, आपने ईडी सीबीआई के का दुरुपयोग किया, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। सारे के सारे जो आपके कारनामे हैं उनका जवाब जनता देगी। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, जवाब दे दीजिए। दिनेश जी, हाँ, आपने पूछा कि बसपा भी लड़ रही है तो क्या आपके वोट बैंक खिसक तो नहीं जाएंगे? अरे वोट होगा इनके पास तब तो खिसकेगा, जब इनके पास जनाधार ही नहीं तो खिसकेगा। आरती जी समस्या है कि इनकी आवाज मुझे नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि इनके पास कितने वोट हैं, कितने वोट का जनाधार ही नहीं आपके पास, खिसकेगा क्या? इनकी आवाज नहीं सुनाई देती आरती जी। अब आपके बीच में बोलता नहीं, जब मैं बोलने लगता हूँ तो आप बोलने लगते हैं। मैं दूसरी बात, अब ये कह रहे थे किस तरह से कैसे यहाँ आया, कोर्ट में पहुंचा, कैसे रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात करती है जो कभी आरक्षण के पक्ष में ही नहीं थी, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, जो कभी, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, जो कभी पार्टी आरक्षण के पक्ष में नहीं थी, आज वो आरक्षण पर बात कर रही है। हमारे नेता ने तो कहा है जब तक मोदी जी है तब तक कोई आरक्षण को हाथ भी नहीं लगा सकता। इस तरह से झूठ की राजनीति, यही मैं कह रहा हूँ कि कैसे बातें और कैसे राजनीति करें। सत्ता की हटाते, सत्ता के लिए आप कहां ले जाएं? और ये सूबे के मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि पटोगे तो कटोगे, गलत कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश में प्रदेश में लोग बट जाए, क्यों बटेंगे, सब एक रहेंगे। और योगी जी ने कहा राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, इस राष्ट्र के लिए, इस प्रदेश के लिए सब एक रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एंटी अलायंस का जो ये चाल है वो कामयाब नहीं होगा। जिस तरह से आप करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं, ये बटेगा नहीं उत्तर प्रदेश, देश बटेगा नहीं। उदित जी, ठीक है, वोट कहीं नहीं बटेगा, आरक्षण का तो कभी सपोर्ट ही नहीं करती थी कांग्रेस, वोट भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी जो मात्र संस्था है आरएसएस, कई बार उनके बयान सार्वजनिक रूप से आए कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। मतलब जब बिहार का चुनाव था उस समय भी आरएसएस प्रमुख का बयान आया था और उसमें काफी इनको नुकसान भी हुआ था। और इस तरह की ये थोड़े थोड़े दिन में इनके बयान आते रहते हैं। जब लोकसभा का चुनाव था तब भी इन लोगों के बयान आ रहे थे कि हमको 400 सीट दे दो, हम संविधान खत्म करेंगे। तो ये लोग जब जानते हैं कि अब हम बैकफुट में आ गए हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, तो ये लोग तुरंत अपना पैतरा बदल देते हैं। बाकी इनके जो मन में है, जो दिल में है, इनके जो अंदर है, जो इनके मात्र संस्था जो इनको सिखाती है, जो इनको नैरेटिव देती है, वो सब ये कहीं ना कहीं बीच बीच में उजागर करते रहते हैं और ये उसी रास्ते पर चलते हैं। इनका शासन तंत्र भी उसी रास्ते पर चलता है। ठीक है, तो इनसे ये अपेक्षा रखना कि ये आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे, ये संविधान को खत्म नहीं करेंगे, ये बेईमानी है। इनका इनका पूरा का पूरा जो तंत्र है वो संविधान को खत्म करने और आरक्षण को समाप्त करने में ही लगा है। ठीक है, आरती जी सर, ठीक है, आप संविधान की बात कर रहे थे, इनके नेता कैसे संसद भवन में, उन्हें उस ड्राफ्ट को, आरती जी इनकी आवाज नहीं समझ में आ रही, क्या बोलते हैं, बात ये कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी। इनसे अच्छा रिजर्वेशन कहाँ हो सकता है? इनके यहाँ था ना, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी रिजर्वेशन में आई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी रिजर्वेशन में आए, फिर उसके बाद जो है राहुल गांधी आ गए, फिर प्रियंका गांधी आ गए,
फिर ऐसे भाटरा परिवार आ जाएगा। इसी तरह से समाजवादी पार्टी में भी रिजर्वेशन चलता है, मुलायम सिंह यादव रहे, रामगोपाल जी रहे, शिवपाल यादव रहे, अखिलेश यादव रहे, धर्मेंद्र यादव रहे, सारे लोग रहे, तो इनके यहाँ रिजर्वेशन बढ़िया से चल रहा है। बाकी जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, उनकी बात करेंगे और काम अपना करेंगे। रोजगार देने की बात उनकी उनको करेंगे, जब रोजगार लेने की बात आएगी खुद आगे आ जाएंगे। सारे टिकट एक परिवार को चाहिए, उनके परिवार को चाहिए, उनके परिवार को चाहिए। गांधी परिवार से इतर कुछ नहीं जाना चाहिए और अखिलेश यादव परिवार से इतर कुछ नहीं जाना चाहिए। जगदीश जी, इस तरह की राजनीति अब जी परिवार का ही बड़ा हुआ होता है। आपके जनता बड़ी जागरूक जनता है, राजनीतिक रूप परिवार इनके ओर से जीत के आता है क्या? इसे पूछ लीजिए। और आने वाले नहीं मुंगेरी आरती जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार का बढ़ावा हो रहा है। मुलायम सिंह के बाद रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, ऐसे ही इनका परिवार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिंपल यादव। आरती जी प्रश्न क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। किसी पीडीए का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। पीडीए को सिर्फ छलावा है, सिर्फ और सिर्फ परिवार को बढ़ाना है। कुल मिलाकर मुद्दा यही है। हमसे आप पूछे? हाँ जी जगदीश जी, जवाब दे दीजिए। आते जी पूरे परिवार के अलावा दूसरा यादव नहीं मिलेगा अध्यक्ष बनाने के लिए। कोई दलित नहीं मिलेगा। ऐसा है आरती जी, हम इनसे पूछ के थोड़ी क्या कोई काम करेंगे। हमारा राजनीतिक दल हमारा दल है। हम भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ पूछने जाते हैं क्या? जो बिन मांगी सलाह हमको परिवार का विकास कैसे हो, उसके लिए इन लोगों ने पार्टी ये क्यों बोल रहा है? जगदीश जी को सुन लीजिए। हाँ आरती जी, हम इनसे पूछने जा रहे हैं क्या जो बिन मांगी सलाह हमको दे रहे हैं? हमारा एक राजनीतिक दल है, हमारे दल की अपनी अपनी विचारधारा, और उस विचारधारा के आधार पे हम जनता के बीच में जाते हैं, जीत के आते हैं। हम कहीं नॉमिनेटेड नहीं है, कौन सी विचारधारा है, कहीं से हमारा कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच से जीत कराते हैं। तो इसलिए आपके परिवार वाला गिना दूंगा, एक लंबी फेहरिस्त है। परिवार के अलावा आपको कोई मिलता नहीं है। सर्व करो और काम वही करते हो, चिल्लाते दूसरे के ऊपर। यही आरती जी, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। अगर इनको सही से जवाब न दिया जाए तो सारा दुष्कर्म ये करेंगे और आरोप दूसरे के ऊपर मरेंगे। जो परिवारवाद जितने भी आरोप लगाएंगे, सारे आरोपों में स्वयं गिरे हुए हैं। ये दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे और स्वयं में जितने दल में इनके भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरा, इनको चोर दिखता है, अपने दल के सारे साहूकार दिखते हैं, ये सब जनता देखती है। आरती जी, इसी का फल इनको मिल रहा है। और मैं कहता हूं मेरे मित्र, संभल जाओ, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों संभल जाओ और सही बोलना सीख लो। सच्चाई ईमानदारी से राजनीतिक दल के रूप में काम करो। जो आदमी गलत है उसको चाहे अपने दल का हो चाहे दूसरे दल का, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। निर्दोषों को मत सताओ, निर्दोषों के ऊपर बुलडोजर मत चलाओ। और अगर सही रास्ते पे चलोगे तो जनता आपकी सुनेगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात पूरे देश की जनता सुन रही है, वो इस तरह से इनको बौखलाहट, इनको लाल टोपी से का भूत सवार हो गया है आरती। इनको समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक ऐसा चेहरा देश के अंदर जिन्होंने इनको अकेले बैसाखी पे ला दिया है। अब उत्तर प्रदेश में फड़फड़ा रहे हैं, अखिलेश यादव का मुकाबला करने के लिए इनके पास कोई चेहरा नहीं है। पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन, सारे के सारे लोग बौखला गए हैं, तो ऊट पटांग की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, सत्य बात लेकर के जमीन में जाइए, जनता की जनहितकारी काम करिए। केवल हिंदू मुस्लिम के लड़ाने के अलावा आपके पास कोई विचारधारा नहीं है। आप केवल भाई से भाई को लड़ाना चाहते, गाय गंगा गोरू के अलावा आपका कोई विजन नहीं ठीक है। ठीक है, जवाब दे दीजिए। बेरोजगारी ना महंगाई क्या है कि दो पार्टियां इस देश में थी विचारधारा आधारित, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और एक भारतीय जनता पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का धीरे धीरे अब से समाप्त हो गया। अगर यथार्थ में आप जाइए तो विचारधारा आधारित पार्टी थी वो। कांग्रेस की तो कभी कोई विचारधारा ही नहीं थी। इनकी तो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी, हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और सेल्फ लास्ट। इनके यहाँ
परिवार फर्स्ट, इनके यहाँ परिवार फर्स्ट, पार्टी सेकंड और देशन लास्ट, ये फर्क है अन्य पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी में, फर्क यही है। हम लोग अपने यहाँ किसी सभा में जाते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी पेटेंट तो नहीं कराया है ना? लेकिन अगर हमारे सैनिक कोई शौर्य करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, तो शौर्य पर सेना की पीठ थपथपाने के बजाय उस पर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं, बल्कि पक्ष चाइना का लेते हैं, इनका देश प्रेम है। ठीक है, समय कम है, खड़े होके इस तरह की बात टीवी चैनल पर बैठ के करेंगे? ठीक है, ये लोग जिसकी अपनी कोई विचारधारा है, न विचार है न विचारधारा है, उदित जी इस देश के बारे में सेना पर सवाल उठा देते हैं आप लोग। सेना पर सवाल नहीं उठाते ये लोग, सेना का इस्तेमाल करते हैं आरती जी, ये लोग जब जानते हैं कि अब हम बैकफुट में आने वाले हैं तो ये लोग सेना को आगे करते हैं, सेना का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत घिनौना अपराध है कि राजनीति में सेना को घसी। अभी आप थोड़े दिन पहले देख रहे थे जब ये आपका अग्निवीर जब योजना लागू हुई थी तो इन्होंने पूरी तरह से सेना को आगे रखा, और जो सेना प्रमुख थे उन्होंने अपनी किताब पर लिखा भी है कि जो अग्निवीर योजना थी ये पूरी तरह से सरकार की थी, इसमें सेना का कोई रोल नहीं था। लेकिन इन्होंने एक नैरेटिव बनाया उस समय कि ये पूरा सिस्टम जो है अग्निवीर का, ये सेना का। इनका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आज 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए लगातार हलचल देखने को मिली, तो वही सभी अपनी अपनी जीत का दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और सभी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा ले है और इसके साथ साथ 10 सीट जिस पर सभी पार्टियों में मंथन का दौर देखने को मिला, जहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन देखने को मिला, तो वही भारतीय जनता पार्टी में जो 5 सबसे बड़े नेता है, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सभी को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियां मुस्तैद नजर आ रही है। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, देखते रहे प्राइम टीवी।